नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात हिमाचल के दंगल की हो रही है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं और उसी के साथ साथ जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो अपने आप में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वो एक प्रखर वक्ता हैं, प्रदेश के मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं और जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं। वो नेता विपक्ष है, मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका लंबा राजनीतिक करियर है लेकिन उससे पहले वो पत्रकारिता भी कर चुके हैं। उनसे अब मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। मुकेश अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार, धन्यवाद। मुकेश जी, 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। आपकी राजनीतिक समझ मैं साथ साथ पूछ लूं और आपका पत्रकारिता का करियर जो रहा है उसका आकलन क्या कहता है? क्या यही परंपरा अक्षुण्ण रहने वाली है? आज देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी जयराम सरकार किसी भी कीमत पे रिपीट नहीं होने वाली है। जो कन्वेंशन आज दिन तक चली हुई है, जो परंपरा चली आई है वही चलेगी। और ये कहते हैं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो ये दिल बहला रहे हैं कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट हो गई तो हमारे भी रिपीट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसके लिए अब वातावरण बनना शुरू हो गया है। परिवर्तन की लहर अब आगे चलनी शुरू हो गई है और आपने देखा आने वाले महीनों में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पतन जो है आपके सामने आएगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस की सरकारें अब देश में कम हैं, तो यहाँ से एक नई शुरुआत होगी, हिमाचल प्रदेश से नई शुरुआत होगी और जब यहाँ से सरकार बनेगी फिर आगे कारवां चलेगा। लेकिन सर, तथ्य तो यही है ना कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार रिपीट नहीं होती थी, उत्तराखंड में भी सरकार रिपीट नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जैसे चुनाव लड़ा वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस मौके को भुनाने से चूक गई। देखिए, दूसरे राज्यों में क्या हुआ मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको आपके चैनल पे बड़े जिम्मेवारी से ये बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश यहाँ पे चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे आप अमेरिका के राष्ट्रपति को ले आए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बननी है। माहौल पूरा सेट है और आपने देखा कि अभी बाई इलेक्शन हुए थे, हमने 4 बाई इलेक्शन जीते। मंडी पार्लियामेंट्री सीट जो मुख्यमंत्री की सीट है जी, यहाँ से वो आते हैं, हमने मंडी पार्लियामेंट्री सीट जीती। 3 एमएलए की सीटें थी, हमने 3 की 3 सीटें जीती। तो आप वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी राज्य में ऐसे रिजल्ट नहीं आते कि 100% रिजल्ट फेवर में आए, तो कांग्रेस ने 4 की 4 सीटें जीती हैं जी। तो इसलिए जो हिमाचल एक नया रास्ता दिखाएगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। हाँ ठीक है, मोदी जी के कार्यक्रम ये करवा रहे हैं, पहले इन्होंने धर्मशाला में करवाया, फिर मंडी में करवाया, अब शिमला में करवाया, क्योंकि जयराम को ये पता लग गया है कि उसकी बाजुओं में दम नहीं है, उनको पता लग गया है कि ये उनके बस की बात नहीं है, तो इसलिए जो है बाहरी ताकतों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको विश्वास होता तो शुरुआत में ही आप प्रधानमंत्री की रैलियां करवा रहे हैं, शुरुआत में ही आप केंद्रीय नेतृत्व की रैलियां करवा रहे हैं 6 महीने इलेक्शन से पहले, तो इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को आत्मविश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ये भाप चुके हैं। नहीं मुकेश जी, मेरा इसमें एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कांग्रेस की हवा है, तो फिर उस हवा को हाइप देने के लिए बड़े नेताओं को आना चाहिए। अगर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बुला रही है, जेपी नड्डा के दौरे हो रहे हैं और दूसरे नेता आ रहे हैं, तो ये बीजेपी का चुनाव में स्टाइल रहा है क्योंकि उन्हें चुनावी मशीन कहा जाता है। जब कांग्रेस की हवा है तो उसको हाइप देने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, अभी तो चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई, चुनाव अभी दूर है। जैसे ही चुनाव की रफ्तार आगे आएगी तो उस समय जाहिर तौर पे कांग्रेस के लीडर भी आएंगे, लेकिन
ये तो शुरुआत में ही कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से दबाव बनाने की, क्योंकि इनको पता है कि चार सीटें हारने के बाद जो इनका मनोबल टूटा है, जो खौफ इनके दिल पे खड़ा हो गया है, उसको चलते ये जो है नड्डा जी के दौरे करवा रहे हैं या मोदी जी के दौरे करवा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जयराम जी, आज मैं देख रहा था कि आज उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा है कि बाबुल की दुआएं लेते जा तुझे सुखी संसार मिले। ये जयराम का अपना खौफ है, ये रात को सोते हुए शायद उनको लगता होगा कि कहीं मेरे साथ ये तो नहीं हो रहा है। ये दुआओं वाली बात उनको अपने लिए सोचनी चाहिए, ये कांग्रेस के लिए कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डर उनको जहन में है, इसलिए वो लगातार जो है दौरे कर रहे हैं। अब देखो, इनमें कार्य संस्कृति थी नहीं, इन्होंने काम किया नहीं, 4.5 साल काम नहीं किया। अब भागदौड़ मचा रखी है, उछल कूद मचा रखी है, सुबह उठते हैं हेलीकॉप्टर लेते हैं, कभी 100 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट है, कभी 200 करोड़ की अनाउंसमेंट है। ये कोरी घोषणाएं हैं, ये कोई इंप्लीमेंट होने वाली बात तो नहीं है। आज आप जो है अगर ये काम करने थे तो आपको पहले करने थे। आज आप शिलान्यास कर रहे हैं, आज आप पाटिकाएं रख रहे हैं, आप बताओ कि अगले 3 महीने में कहां से उसको बना देंगे, कहां से परफॉर्म कर देंगे। तो ये सब झूठ है, ये सब फ्रेम है, ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि दूसरे राज्यों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उसको एक कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहां पर अखिलेश यादव ने विधानसभा में ये कहा कि आप लोग ये चुनाव दिल्ली वालों की वजह से जीते हैं, मतलब वो सेंटर की बात कर रहे होंगे। सवाल ये है कि अगर हिमाचल प्रदेश में, जिन्हें आप बाहरी ताकत कह रहे हैं, बीजेपी अपनी सेंट्रल लीडरशिप से सपोर्ट ले रही है, और अगर आप कह रहे हैं उनके एंटी माहौल है उसको बदलने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी एक कोशिश आपके यहाँ से भी दिखनी चाहिए ना सर, कोई तो ऐसा कार्यक्रम हो जो माहौल बनाए। नहीं नहीं, अभी मैं आपके चैनल पे आने से पहले अभी हमारी श्री रेणुका जी में बहुत अच्छी मीटिंग हुई है जी। बड़ी भारी संख्या में महिलाएं उसमें आई हुई थी। इससे पहले मैं अभी फतेहपुर में कांगड़ा में रैली करके आया हूँ, बहुत संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद थे। एक्चुअली लोगों का हिमाचल प्रदेश में, लोगों का कांग्रेस में विश्वास है। कांग्रेस ने यहाँ डिलीवर किया है, विकास किया है, कल्याण किया है, और इसलिए जो है ठीक है वहां पे अखिलेश जी की सरकार नहीं आई तो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे अखिलेश नहीं, यहाँ पे मुकेश है, और डिजायर्ड रिजल्ट पार्टी को दिए जाएंगे। मुकेश है यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या मुकेश ही चेहरा है, ये भी तो स्पष्ट हो, वहाँ अखिलेश चेहरा थे, स्पष्ट था। देखिए ऐसा है, उनके घर की पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम उससे गवर्न होते हैं, लेकिन चेहरे की बात नहीं है। पर मुझे ये मालूम है कि मेरा मकसद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करना है, मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे आज से 4.5 साल या फिर ठाकुरों के राजनीतिक प्रभुत्व में पंडित मुकेश अग्निहोत्री फिट नहीं हो रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि अगर आप जातिवाद या इलाकावाद की बात करेंगे, जातिवाद और इलाकावाद की वो लोग बात करते हैं जो कि परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाते, जो कि अब इलाका क्या है, जिस इलाके से मैं आता हूँ ऊना का क्षेत्र ठीक है, बॉर्डर एरिया है, लेकिन हिमाचल का पार्ट है। मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4-5 बार लगातार जीता हूँ, मैं वहां से जीत के आया हूँ। जब से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया, जब से मैं पत्रकारिता से हटा, तब से मैंने जितने चुनाव लड़े मैंने सारे चुनाव जीते हैं, कुछ परफॉर्म किया होगा तभी मैंने जीते हैं। बाकी जहां तक आप जाति पे सवाल उठा रहे हैं, वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गवर्न किया है, इस देश को शास्त्री जी ने गवर्न किया है, इस देश में जो है राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा हुए हैं, प्रणब मुखर्जी हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इस देश को रन किया है, यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जयललिता, मोतीलाल वोरा, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ मुकेश जी, शांता कुमार 2 दफा मुख्यमंत्री बने, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? नहीं नहीं, तो इसलिए मैं जाति के विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। आज जगत प्रकाश नड्डा अगर देश में पार्टी के पहले शासन पे बैठे, वो भी ब्राह्मण है, यहाँ से सुखराम जी ने पार्टी बनाई थी और जो है उन्होंने यहाँ पे जो है सत्ता पलट दी थी, वो भी ब्राह्मण थे। तो मैं ब्राह्मण यहाँ पे इतिहास जो है वो मुकेश अग्निहोत्री का साथ दे रहा है।
नहीं, इतिहास की बात है, जहां तक अभी आप अभी भाजपा के सांसद मंडी में पंडित राम स्वरूप शर्मा दो दफा वो सांसद बने, सुखराम वहां से तीन दफा सांसद बने, कांगड़ा से शांता कुमार कितनी दफा सांसद बने या मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए ये तो मैं एक बहुत सवाल को वाजिब नहीं मानता जो लोग इलाकावाद या जातिवाद के नाम की बात करते हैं। मैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस जानता हूं। मैंने आज दिन तक ना कभी जाति की राजनीति की है, ना मैंने इलाकावाद की राजनीति की है। अच्छा, एक मुझे ये मालूम, एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर आपसे। कहा यह जाता है कि आपका इस्तेमाल हो गया, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने की बारी आई तो फिर ये कहीं और चली गई कुर्सी। नहीं देखिए, मुझे मैं 20 साल से अगर राजनीति में हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बदौलत मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया, जिसके चलते मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ। मैंने अपना कामकाज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का बिना किसी समझौते के पार्टी के साथ, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 4.5 साल में जयराम ठाकुर जो है मुख्यमंत्री है उनको एक भी पत्र नहीं लिखा किसी ट्रांसफर का या कोई काम कहा हो उनको। मैं पार्टी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मा दिया कि आपको जो है पार्टी को सत्ता शासन पे लाने के लिए लड़ाई लड़नी है। विधायक दल में 22 MLA है हमारे, हमने विधानसभा के भीतर और बाहर परफॉर्म किया और एक भी बार डाइसेंट वॉइस हमारे विधायक दल में नहीं थी। आपने देखा हम जब बाहर गए इकट्ठे गए, अंदर गए इकट्ठे गए, और हमने एक साबित किया कि विधायक दल या ऑपोजिशन होती क्या है, और उसी ऑपोजिशन के चलते हमने 4 सीटें हासिल की और प्रदेश की जनता ने देखा है। मतलब विधायकों का भरोसा आप में है ये माना जाए ना? नहीं देखिए, विधायकों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका आभारी हूँ। जब भी हमने कहा उनको कि बाहर चलना है तो वो बाहर गए, अगर उनको कहा बेल में चलना है तो बेल में गए, उनको कहा है कि ये मुद्दा उठाना है तो मुद्दा उन्होंने मेरे साथ उठाया। तो अगर उन जो भी जरूरत थी 4.5 साल के दौरान, देखिए वीरभद्र सिंह के बाद हाउस चलाना कोई आसान बात नहीं थी, वो बहुत बड़े कद के मालिक थे, वो एक वट वृक्ष थे, जो 7 साल से राजनीति करते आ रहे थे, 6 दफा के मुख्यमंत्री थे, उनके बाद जो है मुझे विधायक दल का नेता बनाया। और आज कम से कम, चाहे आप हैं चैनल पे चाहे मेरी हाई कमांड है, कम से कम चाहे प्रदेश की जनता को ये तो नहीं कह पाई कि मुकेश अग्निहोत्री ने परफॉर्म नहीं किया, या मुकेश अग्निहोत्री ने लड़ाई नहीं लड़ी, या मुकेश ने जो है पार्टी, हमने टेक ऑफ स्टेज पे जो है पार्टी को पहुंचा दिया। नहीं, ये जो सारी बात आप कह रहे हैं सर, मुकेश जी मैं उसी तो जोड़ रहा हूँ कि आपने इतना कुछ किया तो फिर जो अवसर आपको मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिला। नहीं देखिए, मैं जो विधायक दल का एक पोस्ट है, जो विधायक दल के नेता का होता है, वो एक वो भी इक्विवेलेंट पोस्ट है पार्टी प्रेसिडेंट के, बहुत बड़ा बहुत बड़ी पोस्ट है। अभी अभी पंजाब में आप देख रहे हैं बाजवा जी को बनाया है, सीनियर मोस्ट नेता है, या जो एमपी रहे हैं तो उनको बनाया गया। हुड्डा जी हैं वो विधायक दल के नेता है, वो भी एक सीनियर व्यक्ति है। तो विधायक दल के नेता के तौर पे जो मुझे समान पार्टी ने बख्शा, और अभी रिव्यू हुआ, जब अभी बदलाव हुआ, पार्टी अध्यक्ष बदला, मुझे रिटेन किया गया, मैं पार्टी का आभारी हूँ, उन्होंने मेरे कामकाज को जो है माना और कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ही विधायक दल के नेता के तौर पे कायम रहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री तो विधायक दल के नेता हैं, फिर सर मुकेश अग्निहोत्री चेहरा क्यों नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर बीजेपी चेहरे पर जाए तो फिर कांग्रेस में चेहरे का अभाव, तो जो गलती पंजाब में हुई वो यहाँ ना दोहरा दी जाए ना। नहीं देखिए, ऐसा है, चेहरा तय करना ये तो हाईकमान की बातें हैं, उनको देखना है कि क्या करना है। लेकिन मुझे, मैं आपको ये बता दूं कि इस जयराम की सरकार को जाना है, अगर जयराम जी को चेहरा घोषित कर दिया है तो भाजपा हाईकमान ने कांग्रेस की बहुत बड़ी मदद कर दी है कि उनको घोषित करके एक उन्होंने जो हमें जरूरत थी, हम तो पहले ही चाहते थे कि जयराम जी की सरकार जो है इतनी अलोकप्रिय सरकार है, इतनी निष्क्रिय सरकार है कि इस सरकार को बाहर निकालने के लिए प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है। तो ठीक है, हाईकमान ने उनको रखा, हमारे ऐसा है कि दुनिया जब देने पे आती है तो ढेरों देती है, जब उधेड़ने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। है तो अब जो है हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है, यहाँ पे वो ये नेता नहीं देखेंगे को ए है बी है सी है, यहाँ तो उनको पता है कि बीजेपी को हटाना है, और वो उसको हटाने के लिए जो है हम
लगे हुए हैं। हमें, मैं आपको बताऊं, हमें किसी पद की लालसा नहीं है, कोई मोह नहीं है। पत्रकारिता के बाद अगर लगातार जनता ने हमें जिताया और आज अगर मैं विधायक दल को लीड कर रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए, व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। कि लोग कहते थे पत्रकार जो है चल नहीं सकता, जीत नहीं सकता, एक बार जीत गया फिर दोबारा बनेगा नहीं, पत्रकारों को तो राज्यसभा की राजनीति करनी चाहिए, उन्हें तो नॉमिनेशन, पत्रकारों में बड़ी पोटेंशियल होती है सर, इस बात पर मैं आपके साथ हूँ, पत्रकार बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं वो हमने साबित कर दिया कि पत्रकार जो है वो कुछ भी कर सकता है और वो हमने कर दिया जी। लेकिन मैं सवाल जोड़ रहा हूँ सर, अब आप पत्रकारिता का अनुभव भी ले आए अपनी इस चर्चा में, तो टिकट वितरण कांग्रेस में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और कई चुनावों के बाद ये समीक्षा हुई है कि गलत टिकट बांट दिए गए, कहा जा रहा है कुछ जगह पर कैंडिडेट को लेकर आपके यहाँ बहुत असमंजस है, लगभग 2 दर्जन विधानसभाएं ऐसी बताई जा रही हैं। टिकट वितरण बहुत बड़ा मुद्दा आपके यहाँ हर बार रहता है, इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि जीत की क्षमता के आधार पर टिकट वितरण होना चाहिए और हमने अपनी हाईकमांड को भी बताया है, जब पिछले दिनों शिमला में रैली हुई थी उसमें राजीव शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी आए थे, हमने उसमें भी उनको बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि टिकट वितरण में ना जो है कोई सौदा, कोई सिफारिश, कोई भी मसला जो है नजर यहाँ नहीं चलना चाहिए। अगर मेरिट अगर प्रवेल कर गई तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आने से कोई रोक नहीं सकता। और जहां तक आप कहते हैं कि 24 सीटें, 2 दर्जन सीटें ऐसे हैं जहाँ कैंडिडेट नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ये है कि मल्टीपल कैंडिडेट हो गए, एक से ज्यादा 2, 3, 4 कैंडिडेट हो गए हैं जो प्रोस्पेक्ट को खराब करते हैं कि एक खड़ा हो जाएगा, दूसरा इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा, तीसरा किसी पार्टी में चला जाएगा। हमारा ये कहना है कि पार्टी में ये बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि जो जीत की क्षमता रखता है उसको किसी भी ढंग से जो है टिकट दिया जाए। और इसमें हम 22 MLA हैं और इसके अलावा जो है 35 का मार्क चाहिए। सबसे पहले तो जैसे आप जब आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है MLA बनना। कोई MLA बनेगा तभी मुख्यमंत्री की दौड़ में जाएगा। नंबर 2, अगर 35 सीटें आएगी या 40 सीटें आएगी तभी सरकार बनेगी। तो इसलिए जो है पहले ही किसी कंक्लूजन पे जंप करना, भागना, उससे ज्यादा अच्छा है। अब आप देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, आप पंजाब में देखें, पंजाब में अमरिंदर सिंह जी चुनाव हार गए, बड़े बादल हार गए, छोटे बादल हार गए, चन्नी जी चुनाव हार गए और उधर सिद्धू जी चुनाव हार गए, सारे चीफ मिनिस्टर सब थे सारे हार गए। उधर धामी थे उत्तराखंड में, वो चुनाव हार गए, वो तो उनको पार्टी ने बचा लिया। उधर ममता बनर्जी जो है उनकी अपनी पार्टी थी, पार्टी पावर में आ गई, वो खुद हार गई, लेकिन ठीक है उनकी पार्टी थी तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही हमारे धूमल साहब जो है चुनाव हार गए मुख्यमंत्री प्रोजेक्शन के बाद। तो बहुत कुछ डेस्टिनी भी करती है और बहुत कुछ आपके सामने है कि जिसका भी नाम मुख्यमंत्री के लिए आया वो तो जो है साफ हो गया, आप आज के दौर में लगातार देख रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से तो आप कह रहे नाम अनाउंस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके सामने ही है कि पंजाब उत्तराखंड सारी जगह आप देख रहे हैं। हरीश रावत साहब का भी नाम मैं ले दूं उसमें, वो भी हार गए। हरीश रावत साहब आप देखो वो हार गए, उधर जो है मौर्य जी चुनाव हार गए जी, ठीक है उत्तर प्रदेश में। तो फिर ये माना जाए कि अनाउंस नहीं करना चाहिए। चलिए मैं एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर आ रहा हूँ, क्योंकि आपने पंजाब का जिक्र कर दिया। पंजाब में एक पार्टी ने आपकी सरकार को पदस्थ कर दिया और अब वो दावा ये कर रहे हैं कि पंजाब की हवा हिमाचल में आएगी आएगी। देखिए, पंजाब जैसी हवा तो हिमाचल में कभी भी ना आए, लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि किस ढंग से गोलियां चल रही हैं, लगातार जो है शूट आउट हो रहे हैं, गैंगवार चल रही हैं, रोज सुनने को आ रहा, आज बस लूट ली गई, आज कंडक्टर लूट लिया गया, आज गन पॉइंट पे फलां चीज हो गई और दूसरा जो है अभी एक गीतकार को जो है गोलियों से मार दिया गया। और पंजाब का कानून व्यवस्था तो आपके सामने है, लगातार पीछे कोटी का प्लेयर मार दिया गया, चल क्या रहा पंजाब में। पंजाब की ऐसी पंजाब के इसकी कल्पना भी हिमाचल नहीं कर सकता, हिमाचल तो शांतिप्रिय प्रदेश है। लेकिन वो हिमाचल में दिल्ली का मॉडल दिखा रहे हैं ना सर, दिल्ली का मॉडल भी यही है कि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जेल में है, पंजाब के इनके हेल्थ मिनिस्टर भी जेल में है।
है, जो जिनको यहाँ प्रभारी बनाया था वो भी जेल में है। यही मॉडल है दिल्ली का। मतलब पंजाब में आम आदमी ने जो किया, आप कह रहे हैं हरियाणा हिमाचल में वो प्रेजेंस नहीं बन पाएगी, वो बात नहीं बन पाएगी। नहीं देखो, पंजाब में जो है ये काफी देर से काम कर रहे थे, वहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी खड़ी हुई, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे जो अपोजिशन की हो, और उसके चलते जो है इनका इनका मौका लग गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका बहुत जानदार तरीके से निभाई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन नहीं है, यहाँ ऑपोजिशन है, वो फुल फ्लैज ऑपोजिशन काम कर रही है और उसके बारे में लोगों का मन बना हुआ है। और यहाँ पे ये तो है नहीं कि पंजाब पंजाब में सरकार आ गई तो यहाँ भी आ जाएगी। उत्तराखंड में अभी आम आदमी पार्टी के सभी कैंडिडेट की लगभग जमानतें जब्त हो गई, 70 में से 67 की हो गई। यहाँ भी कोई कोई कैंडिडेट कोई ऐसा होगा किसी अच्छी पार्टी से गया हुआ है। लेकिन तो मुकेश जी एक सवाल है मेरा इसमें, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल में वो जगह नहीं है, उनकी उतनी मौजूदगी नहीं होगी, लेकिन माना यह जाता है कि उत्तराखंड और गोवा में भी आपकी सरकार बन जाती, एंटी इनकम्बेंसी वोट को डिवाइड करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, क्या वो खतरा हिमाचल में है आम आदमी पार्टी से? नहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल सीधा मुकाबला होगा कांग्रेस और बीजेपी का, वोट कटवा की स्थिति भी नहीं है। ऐसा है, ये जो है वोट काटने का प्रयास करेंगे, ये जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अभी हाल ही में घटनाएं हुई हैं, जो जिनको इन्होंने इंचार्ज बनाया वो साहब जेल में चले गए, जो यहाँ से यहाँ लोगों को टिकट बांटते फिर रहे थे, और जो उसके बाद जो है जैसे पंजाब में गोलियां चल रही हैं, दंड बना रहे हैं, मैं आपको बताया कि हिमाचल का कल्चर ही नहीं है, ये हिमाचल के लोग नहीं ये टॉलरेट कर सकते। हिमाचल बड़ा शांतप्रिय प्रदेश है, यहाँ तो ऊंची आवाज में बात करना भी दिक्कत है। दूसरा, यहाँ पे कोई एक पानी का गिलास भी किसी को पिला देता है तो लोग उसका एहसान मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में मुझे तो नहीं लगता कि इनकी कोई दाल गलने वाली है। ठीक है, प्रयास ये करेंगे, किसी ने भी चुनाव लड़ना है वो आएगा प्रदेश में, अच्छा माहौल है, यहाँ पर टूरिस्ट स्टेट है, आए अपना आनंद ले, यहाँ पे नदियों को देखें, झरनों को देखें, पहाड़ों को देखें, कुदरत की वादियों का आनंद ले। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का कोई ज्यादा स्टेक यहाँ पे है। जी मुकेश जी, वैसे आपसे बहुत सारे और सवाल भी हो सकते थे लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है, फिलहाल आप जुड़े, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका जुड़ने के लिए जनता टीवी पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल का दंगल में आज हमारे साथ मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।